नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पानसिमल में 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में विकास खंड स्तर दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जनपद शिक्षा केंद्र पानसिमल में आयोजित किया गया, जिसमें विकास खंड अंतर्गत सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों में से दर्ज संख्या चिन्हांकित दिव्यांग बच्चे एवं उनके पालक तथा शिक्षकों ने उक्त कार्यक्रम में सहभागिता की गई, जिसमें 100 मीटर की दौड़ एवं नींबू दौड़, चेयर रेस, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता भाषण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बीआरसी जितेंद्र बाविस्कर द्वारा बताया गया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि दिव्यांगों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने तथा उनके प्रति करुणा, आत्मसम्मान और जीवन को बेहतर बनाने के सहयोग से किया जाता है। एमबीए से सुखलाल पाडवी के द्वारा बताया गया कि दिव्यांगों के प्रकारों एवं अधिनियम के बारे में विस्तृत में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम निर्णायक रूप में कृष्णकांत चौधरी, बीएसी रविन्द्र पाटिल, गणेश डुडवे, नीला चौहान एवं समस्त जनशिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। निर्णायक समिति के द्वारा दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार वितरण किए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन कैलाश भदाणी के द्वारा किया गया एवं आभार महेंद्र पाटिल बीएसी द्वारा किया गया। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पानसिमल से महेंद्र सोनवणी की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।